सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर नेहा जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, लखनऊ। फर्स्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल माई व्यूअर्स हु आर कंटिन्यू वॉचिंग मी, शेयर माई वीडियोज एंड ऑल्सो कमेंट। आप सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, लेकिन प्रत्येक कमेंट्स का उत्तर दे पाना संभव नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपने कमेंट के माध्यम से किए, क्या ये वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। मेरा प्रयास होगा कि अगर मेरे इस कार्य से आप सबको लाभ हो रहा है, आप सब इसको समझ रहे हैं और आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हम कुछ ऐसा कार्य कर सकें जो बहुत लोगों के काम आ रहा है। और अपने इस अल्प ज्ञान से अगर मैं आप सबकी सहायक के रूप में आ जाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने इस लेक्चर सीरीज़ में हम बात करेंगे इरविन गॉफमैन के अभिनय शास्त्री उपागम की। अभिनय शास्त्र क्या है और गॉफमैन ने किस तरह इस नई विधा के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रियाओं को समझने पर बल दिया है। कनाडा में पैदा हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री इरविन गॉफमैन अमेरिका में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सूक्ष्म समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की परंपरा को अपनाया। जब यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि सूक्ष्म समाजशास्त्रीय सिद्धांत, हम देखते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में बृहद सिद्धांत हैं और सूक्ष्म समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं। बृहद सिद्धांतों में हम मार्क्स, वेबर, दुर्खीन, लेकिन जब हम सूक्ष्म सिद्धांतों की बात करते हैं तो सूक्ष्म सिद्धांतों में अल्फ्रेड सूज, प्रघटनासाज एडमंड हर्सल, या हम देखते हैं एथनोमेथोडोलॉजी गारफिंकल, सिंबॉलिक इंट्रक्शनिज्म प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को हम उसमें देखते हैं, जो छोटे छोटे सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक जीवन और इसमें होने वाली अंतःक्रियाओं को समझने पर बल देते हैं। इसी परंपरा को इरविन गॉफमैन महोदय ने भी आगे बढ़ाया। इन्होंने समाजशास्त्र में अध्ययन की नई विधा को जन्म दिया, जिसे हम अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। टोरंटो विश्वविद्यालय में अपनी पहली शोधोपाधि पूरी करने के बाद यह जब शिकागो विश्वविद्यालय आए तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो अंतःक्रियावादी थे उनके प्रभाव में आए, और उसमें से एवरी ह्यूजेस और हर्बर्ट ब्लूमर प्रमुख हैं। कुछ नव दुर्खीमवादियों से भी प्रभावित हुए, जिसमें लॉयड वर्नर, एडवर्ड सील से प्रभावित हुए, और इस प्रभाव के कारण वह प्रतिदिन के जीवन में प्रतीकों और अनुष्ठानों की जो हम बात करते हैं ना, रिचुअल्स, जो हमारे सिंबल्स और रिचुअल्स हैं, इन सब के माध्यम से हम जो अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं, जो रोज़मर्रा के जीवन में चीज़ें हो रही हैं, के साथ साथ इन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात की और सहभागी अवलोकन की शोध विधि को समझा, महत्व को समझा, उस आधार पर अध्ययन कार्य किया। इन्होंने स्कॉटलैंड के सैथलैंड द्वीप समूह के एक द्वीप को अपना अध्ययन क्षेत्र बनाया, और जो मैंने कहा कि ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात की, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी उस द्वीप में वहाँ के लोगों के साथ रहे और उनका जो दैनिक जीवन था, रोज़मर्रा की जो जीवन था, उसका सूक्ष्म और गहनता से अध्ययन किया। और इसी अपने अध्ययन के दौरान ही इन्होंने लिखा रोज़मर्रा के जीवन में स्व का प्रस्तुतिकरण, जिसे हम इनकी पुस्तक कहते हैं द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो 1959 में ये पुस्तक इन्होंने लिखी। और इस पुस्तक में ही इन्होंने अभिनय शास्त्रीय उपागम, जिसे हम कहते हैं ड्रामेटर्जी अप्रोच, की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। अपनी इस कृति में गॉफमैन सामाजिक जीवन का विश्लेषण करने के लिए रंगमंच की उपमा का सहारा लेते हैं। जो भी हमारा ये शोध सामाजिक जगत है, सामाजिक जीवन है जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी तुलना उन्होंने किससे की? रंगमंच थिएटर से की। गॉफमैन के अनुसार मानव का सामाजिक व्यवहार बहुत कुछ रंगमंची अनुभव से मिलता जुलता है। मानव का सामाजिक व्यवहार सामाजिक जीवन के रंगमंच पर कर्तागण अपनी अपनी छवि बनाते हैं और दर्शकों के सामने अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं। दर्शकों ने समाज है, और दर्शकों के
सामने कभी कर्तागण हैं, एक्टर हैं, और कभी खुद भी ऑडियंस बनते हैं और दूसरे की भी क्रियाएं देखते हैं। अब हम इसको सम गवर्नमेंट क्या करें, ये पूरा जीवन, सामाजिक जीवन जिसमें हम रह रहे हैं और हम जो व्यवहार कर रहे हैं, वह कैसा, एकदम स्टेज की तरह, एक रंगमंच की तरह, जिस पर अभिनय कौन करता, अभिनेता एक्टर आता है और अपने उस मंच पर जो से भूमिका दी जाती है, जो रोल दिया जाता है, उस रोल के अकॉर्डिंग वह बिहेवियर करता है, अपनी भूमिका का निष्पादन करता है और कोशिश करता है कि जो भूमिका उसे दी गई है वह उस भूमिका को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करे। उसका प्रस्तुतिकरण जो है, प्रेजेंटेशन है, वो कैसा, इतना अच्छा हो कि जो छवि बनी थी वो छवि भी बनी रहे। यही गॉफमैन कहते हैं कि दैनिक जीवन में होता है। जो भी हम एक दूसरे के साथ रोज दैनिक जीवन में सामाजिक अंतःक्रियाएं करते हैं, इसमें हम जो व्यवहार करते हैं वह भी हमारा एक समाज रंगमंच है। ये पूरा जीवन एक रंगमंच है और इसमें हमें जो रोल दिए जा रहे हैं, विभिन्न छोटी बड़ी भूमिकाएँ जो हमारी हैं, ये हमारे अभिनय हैं। उदाहरण के लिए, अभी मैं आपके समक्ष एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर हूँ। मैं अभी जो रोल प्ले कर रही हूँ वो एक भूमिका है। इसमें जो मैं अभिनय कर रही हूँ, इसको हम अभिनय, अगर हम गवर्नमेंट के शब्दों में कहें तो अभिनय है कि कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी बात को समझा सकूँ, उन्हें मेरा समझाना समझ में भी आना चाहिए, जिस अर्थ में ये अवधारणाएँ हम समझा रहे हैं, लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं। ये पूरे अभिनय में कहीं ना कहीं हम अगर आपके समक्ष इस रूप में हैं, लेकिन जैसे ही ये वीडियो ऑफ होगा, जब क्लास से कोई अपने घर पहुंचता है तो उसकी रोल भी बदल जाता है और उसकी भूमिका कहीं पर एक माँ की भूमिका है, कहीं पर एक बेटी की भूमिका है, कहीं पत्नी की भूमिका है। तो पूरे समय वो एज प्रोफेसर तो घर में नहीं रहता होगा, उसका सेल्फ भी है। और यहाँ इस सिद्धांत के माध्यम से, इस अवधारणा के माध्यम से, गॉफमैन इस अवधारणा में यही समझाना चाहते हैं कि जो सेल्फ है वह दूसरे के किरदार को निभाता है। उस समय हम देखते हैं कि हमारे पास जितने भी प्रोफेशंस हैं, आप बताइए, जून में वकील को काला कोट या जज को काला कोट पहनने की क्या ज़रूरत है? फॉर्मल ड्रेस में भी तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ क्या है, छवि, उस छवि को भी बनाए रखना है जो छवि हमने अपने व्यवहार में निर्धारित की है। तो गॉफमैन कह रहे हैं कि दर्शक गणों के समक्ष अंतःक्रिया के दौरान समाज में जो भी हमें देख रहा है वो कौन है, उस समय दर्शक गण है। और कभी हम भी दूसरे की क्रियाओं को देख रहे हैं तो हम भी दर्शक हैं, और कभी हम कर्ता हैं तो कभी हम दर्शक हैं, और एक दूसरे के समक्ष अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखेंगे आगे वो बात भी कर रहे हैं इसकी, जिसको उन्होंने कहा है प्रबंधन। कौन सा प्रबंधन? इम्प्रेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो प्रभाव प्रबंधन की बात करते हैं इसमें। गॉफमैन स्पष्ट कहते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार भूमिकाएं अदा करते हैं और विभिन्न स्थितियों में एक दूसरे के समक्ष अपनी छवि को प्रस्तुत करते हैं। हम जिसे साधारण शब्दों में हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन हर किसी की अपनी एक छवि और हर किसी का अपना एक इम्प्रेशन है। कारण क्या है? किसने उस रोल को कितना अच्छा अभिनय किया। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखें, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, कुछ यंग नेता भी हैं, वो भी अपनी भूमिकाओं को कर रहे हैं, जो उन्हें भूमिका दी गई है वो फॉर्मल भी पहन सकते हैं, लेकिन आपने देखा वो भी वही कुछ पहनना, वैसे ही गंभीरतापूर्वक बातें करना। आप कितना अच्छा अभिनय कर पाते हैं और कितना इम्प्रेशन जमा पाते हैं तो हम सबके समक्ष हैं। तो गवर्नमेंट ने अंतःक्रिया की जब विश्लेषण कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि व्यक्ति किस प्रकार प्रतिदिन की क्रियाएं संपादन करने में, जो भी हम अपने एवरीडे लाइफ में जो भी अपने एक्शंस करते हैं, अपने जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें हम दूसरों के साथ जो इंट्रैक्शन करते हैं उन्हें किस प्रकार संपादित कर रहे हैं, ये भी देखना है कि कैसे हम अपनी अंतःक्रियाओं को कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो फर्स्ट इंटरेस्ट था वो ये जानने का था कि आमने सामने के जो संबंध है, हमारे डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है, उसमें व्यक्ति कैसे एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं। इन अंतःक्रियाओं में उन्होंने रूपकों के माध्यम से उन्हें कुछ प्रयोग किए हैं कि जो हम एक दूसरे के साथ क्रियाएँ करते हैं उन्हें समझने के लिए ही उन्होंने रंगमंच की उपमाओं का सहारा लिया। थिएटर जो मंच होता है, स्टेज होता है, उस पे जो उपमाएं हैं उनका सहारा लेके वो बात करते हैं। गॉफमैन का जो अभिनय शास्त्रीय दृष्टिकोण है, अगर देखा जाए तो मुख्यतः प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का ही विस्तार स्वरूप है। यहाँ गॉफमैन कहते हैं कि सामाजिक जगत,
या जो ये सोशल लाइफ है, सोशल वर्ल्ड जो हम तो देख रहे हैं, ये सामाजिक जगत जो है वो सेल्फ ऑर्डर्ड नहीं है, स्वयं व्यवस्थित नहीं है, और ना ही व्यवहार में सदैव इसके अर्थ सन्निहित हैं। इसमें जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था चल रही है, और सामाजिक व्यवस्था में भी जब हम सोशल बिहेवियर करते हैं तो जो अर्थ लगाते हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोग उन्हें अर्थ प्रदान करते हैं। सामाजिक व्यवस्था तथा जो विशिष्ट व्यवहार का अर्थ इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम उसे महत्व प्रदान करते हैं। इसलिए व्यक्ति अंतःक्रिया के दौरान अपने आप को एक दूसरे के सम्मुख, एक दूसरे के समक्ष जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो केवल इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम अपने उस बिंब को, हम अपनी उस छवि को भी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। हम अपनी उस छवि को क्यों बनाए रखने का, कि इस छवि में ही एज ए एक अच्छा टीचर क्या है, एक अच्छा प्रोफेसर क्या है, एक अच्छा वकील कैसा होना चाहिए, एक अच्छी गृहिणी क्या है, अच्छी माँ क्या है, ये जो छवियाँ बनी हुई हैं ये क्या है, हमारे डिफरेंट रोल के साथ बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या है, नाटक की अभिनय कितना अच्छा कौन कर सकता है। अतः गॉफमैन का जो मुख्यतः प्रभाव था वो कहते हैं, वह उसका उनका था इम्प्रेशन मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं प्रभाव प्रबंधक, पर उन्होंने अधिक बल दिया है, अर्थात उस उपाय पर अधिक महत्व दिया है जिसके द्वारा कर्ता, हम सब समाज में क्या कर्ता है, एक्टर है, किसी सामाजिक परिस्थिति में जो भी हमारे पास सिचुएशंस होती है उस सिचुएशन में प्रभाव बनाए रखने हेतु हम प्रतीकों और संकेतों को काम में लेते हैं। आपके सामने एज ए मदर, एज ए टीचर प्रोफेसर हूँ, अपने बेटे के सामने एज ए मदर रहूँगी, एज ए मदर मेरी क्या ड्यूटी है, मेरा कैसे उस पर इम्प्रेशन अच्छा हो, कैसे उसकी अच्छी केयर करें, ये मेरी एक मुख्य भूमिका होगी वहाँ पर। यहाँ पर एक दूसरी भूमिका है, तो जो दैनिक क्रियाएं हम करते हैं उसमें हम सब एक्टर हैं, बहुत सारी, कोई एक अच्छा बेटा है, कहीं अच्छा डॉक्टर होगा, कहीं हस्बैंड भी होगा, किसी के बहुत अच्छे भाई भी होंगे, तो ये सारी विभिन्न भूमिकाएं, और इसमें हम अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं, और यही हमारा क्या है, एक रंगमंच, और उस पर हमारा अभिनय है। अब बात करते हैं अभिनय कला क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ ड्रामेटर्जी, अभिनय कला। अगर हम अभिनय कला का तात्पर्य देखें तो उस कला से है जिसमें अभिनेता यानी एक्टर दूसरे के किरदारों की भूमिका को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, दूसरे की भूमिका को कलात्मक रूप से और अच्छे से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले जब हमने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पढ़ा था तो हमने मीट का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या समय प्रतीकों और संकेतों को देखा था, जिसमें हाव भाव आते हैं, बॉडी लैंग्वेज आती है, और उन सब पर चर्चा की थी। अभिनय में भी हम इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों और संकेतों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हम अभिनय को देखें तो अभिनय शास्त्र भारतीय समाज में परंपरा से ही जुड़ा है, कहीं तमाशे हैं, नौटंकी हैं, रामलीला मंचन हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे अभिनय के स्वरूप रहे हैं। तो अभिनेता नाट्य मंचन जो ड्रामा करता है उसमें विभिन्न भूमिकाओं को निभाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। नाटक में अभिनेता दूसरे की भूमिकाओं को स्वयं अपनाता है, और इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह जो अभिनेता का सेल्फ है, जो एक्टर है उस समय एक्टिंग कर रहा, उसका अपने खुद का सेल्फ है वो हर समय वैसा नहीं है, लेकिन उस किरदार को निभाने में वह दूसरे के जूते में पैर रख रहा है। इस पूरी अभिनय कला में आई जो मैं है वह मी बनता है, मेरा बनता है, तो इस मैं को मेरा बनने में जो संपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, गॉफमैन उसे कहते हैं अभिनय शास्त्रीय अभिनय कला या अभिनय शास्त्रीय उपागम के माध्यम से समझाते हैं। तो शेक्सपियर और मैकियावेली के समय से चली आ रही इस युक्ति की संपूर्ण विश्व एक रंगमंच है और हम सभी इसके रंगकर्मी हैं का प्रयोग करते हुए गॉफमैन ने अपने अभिनय कला के विश्लेषण में दो अवधारणाओं का प्रयोग किया, जिसे हम यहाँ देखेंगे। नंबर एक, मंच, मंच अर्थात जो फ्रंट में हमारे पास है, स्टेज पे जो फ्रंट में है वो मंच है, और एक होता है वो कहते हैं बैक, जो मंच की बैक पृष्ठभूमि है, मंच के पीछे की बात है। इन दोनों में वह देखते हैं इन्हीं के माध्यम से पूरे समाज में अंतःक्रिया होती है। तो हम पहले बात करते हैं मंच की, जिसे हम फ्रंट भी कहा है, उनकी अवधारणा में से फ्रंट कहा गया। फ्रंट का अर्थ क्या है, फ्रंट का अर्थ स्पष्ट करते हुए गवर्नमेंट
ने कहा कि यह वह स्थान है जहां अभिनेता अपनी कला या अपने कर्तव्य से या अभिनय दिखाता है, और यह अभिनय वह है जिसे देखने की अपेक्षा कौन कर रहा है, दर्शक गण। जो ऑडियंस है वो क्या कर रही है कि जो ये रोल करेंगे, जो ये प्ले में इनका रोल है, वो कितने अच्छे से ये अभिनय करते हैं। दूसरे शब्दों में अभिनेता का यह व्यवहार दर्शकों के लिए अवलोकनीय व्यवहार है। संपूर्ण समाज मंच है। अगर मैं क्लास में जा रही हूँ तो उस समय वो क्लास भी मेरे लिए क्या है, एक फ्रंट है। क्लास में एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, अपने स्टूडेंट्स के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो भी एक अभिनय का पार्ट है ना। ऐसा तो नहीं है, हो सकता है उसमें कई बार आपके बहुत परिचित बच्चे हों, दूर के रिलेटिव भी, और आप अपने बच्चों के साथ और क्या है, कैसे है, हाथ ठोकना है, जैसे आप सहेलियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हंसते मुस्कुराते आप अपने स्टूडेंट के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। जब आप स्टूडेंट थे या हम सब स्टूडेंट रहे हैं, तो हम लोग भी कॉलेज से हंसी ठहाका लगा के निकलना, जो स्ट्रीट फूड होते थे उस सब का एंजॉय करना, गुमटी पे चाय पीना, वो सारी चीज़ें आपने की। लेकिन एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, अब आपका अभिनय बदल गया। अब ऐसा तो नहीं कि कॉलेज के एंट्रेंस गेट पे जाते ही साथ आपको कुछ अच्छा सा स्ट्रीट फूड दिखा और आप खाना पीना हंसी ठहाके शुरू कर दें, नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ आप एक भूमिका को निभा रहे हैं, एक भूमिका जिसमें एक छवि बनी हुई है कि एक अच्छे टीचर की क्या छवि है, उस रोल को आप अभिनय कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो उस रोल में ये कहीं भी नहीं आता है कि आप कैसे उसको प्ले करेंगे। आप पूरे तरह से जब अभिनय करते हैं तो उस अभिनय में समाज के जो मानक हैं, समाज के जो स्टैंडर्ड हैं, उस अनुसार आप वो नाटक करते हैं। उसको हम नाटक नहीं कहेंगे, अभिनय, रोल प्ले। इन्होंने उसको अभिनय शब्द में समझाया है। कहने का तात्पर्य कि क्योंकि एक आइडल टीचर, आदर्श टीचर की छवि बहुत दूर तक अपने स्टूडेंट्स को प्रभावित करती है। तो यहाँ हम कैसा व्यवहार करें जो अवलोकनीय है, और दर्शक जो हमसे अपेक्षा कर रहा है, हमारा स्टूडेंट उस समय हमारा क्या है, दर्शक है। एक टीचर का कैसा व्यवहार स्टूडेंट के साथ होना चाहिए, क्लास में कैसा होना चाहिए, क्लास के बाहर कैसा, लेकिन जो व्यवहार मेरा क्लास में, वो घर की दहलीज के अंदर आते ही बदल जाएगा वो अभिनय। किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी और माँ के रूप में वो अलग हो जाएगा, है ना। तो ये फ्रंट था, और घर आ गए तो बैक हो गया, और बैक में तो बहुत सारी अलग अलग भूमिकाएँ हैं। तो मंच के अंतर्गत गॉफमैन कहते हैं वे सभी वस्तुएं आती हैं जो अभिनीत भूमिका को, अभिनीत भूमिका का मतलब जो एक्टिंग हम कर रहे हैं, हमारी उस एक्टिंग को और जो इम्प्रेसिव बनाएंगी, वो सारी चीज़ें मंच पर आती हैं। जैसे मंच की साज सज्जा कैसी हो, रोशनी कैसी हो, सेट कैसा हो। आपने देखा, जैसे ही हम किसी गवर्नमेंट, आप हॉस्पिटल में जाइए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाइए या गवर्नमेंट स्कूल्स में जाइए, एक आपको अलग तरह का तामझाम देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाइए तो वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट होंगे, वहाँ के जो टीचर्स होंगे, वहाँ का जो पूरा तामझाम होगा, ये सब क्यों बनाया गया? क्योंकि उन्हें क्या करना है, और भी ज़्यादा आपसे फीस के रूप में, चीज़ों के रूप में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, वो सारा उन्होंने जो बनाया वो उनका फ्रंट है, और वो कितना इम्प्रेसिव है। इसी तरह जैसे जब कभी रामलीला होती है, तो रामलीला में मंच पे जो राम बने हैं, वो अभिनीत व्यवहार कैसे अच्छा कर सके, अपने संवाद, डायलॉग जो उनके हैं, वो जो भाषा शैली है, चेहरे पर जो गंभीर होना चाहिए, वो सब उन्होंने कितने अच्छे से प्ले करना। मंच भी कैसे, बैकग्राउंड में पूरा सब कुछ, अगर राम के वनवास का सीन दिखा रहे हैं, दृश्य दिखा रहे हैं, तो कुटिया भी बनी होगी, कुछ छोटे मोटे जानवर भी, जैसे मोर वोर भी वहाँ पे होंगे, घास फूस बनाया गया। हम देखते हैं कितना अच्छा मंच बिल्कुल खो जाता है। लाइटिंग, अगर अचानक से आपने देखा कि कोई दृश्य उन्हें ऐसे दिखाना है, तो कभी लाइट तेज हो रही है, कभी धीमी हो रही है, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, ये कहने का तात्पर्य कि कितना अच्छा सामने जो हमारा फ्रंट है वो क्या हो, इम्प्रेसिव हो। हर व्यक्ति यही कोशिश करता है जीवन में, प्रभावशाली ढंग से। और ये प्रभावशाली ढंग कैसे आएगा, जब हम उस व्यवस्था के अनुसार धारण करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मंच के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो अभिनीत भूमिका को प्रभावशाली बनाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मंच के अंतर्गत वे सभी बातें आती हैं जो अभिनेता के अभिनय को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से दिखा सकें। अगर एज ए टीचर, प्रोफेसर आप क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्यों कहा जाता है, एक ड्रेसिंग सेंस भी होता है, वो भी एक आपके उसी का पार्ट है।
अभी यही वीडियो मैं आपके सामने बना रही हूँ और अभी मैं यहाँ ना बैठ के सोफे पे बड़े रिलैक्स मूड में हाथ में मोबाइल ले लूँ और वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा। प्रोजेक्टर होगा क्लास में, बोर्ड होगा, डाइस होगा, तो ये आपको क्या कर रहे हैं। और वैसे ही आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस में भी बहुत सारे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्टर वगैरह लगे होंगे, स्टूडेंट्स भी विद डेकोरम अपने ड्रेस और उस सब में आएंगे बैठेंगे, तो ये सारा जो है वो हमारा वहाँ का मंच है। गवर्नमेंट का कहना है कि अपने दैनिक जीवन में हम कई तरह के अभिनय करते हैं, यद्यपि ये अभिनय हर समय ऐसा नहीं होता कि साज सज्जा हर समय होगी या मंच पर नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे सेल्समैन को आपने देखा होगा, डोर टू डोर आते हैं, टाई सूट वूट होगा, हाथ में बैग होगा और वो आपको बताएंगे और एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे होंगे। या आप प्राइवेट सेक्टर में जाके देखिए, वहाँ तो आपको यही दिखाई देगा। एयर होस्टेस को देखिए, एयर होस्टेसेस में सर मे आई हेल्प यू, मैं आपको क्या, आप क्या लेंगे, लेकिन क्या घर में वो ऐसे चलते होंगे, हिलते डुलते होंगे, लगता ना कोई गुड़िया चल रही है डॉल की तरह एकदम। ये सब सिखाया जा रहा है उनको, उनका व्यवहार वहाँ कैसा होना है, कैसे अच्छा इंप्रेशन पड़ना है। तो गवर्नमेंट का मत है कि स्व जो हमारा सेल्फ है, हम सबका अपना एक सेल्फ है, वो सेल्फ जब बाहरी दुनिया में, ये जो पूरी बाहरी दुनिया है जिसमें हम किसी की बेटी हैं, बहन हैं, माँ हैं, पत्नी हैं, टीचर हैं, अच्छी पड़ोसन भी होंगे, बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं होंगी, तो ये जो सेल्फ है जब ये बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है तो विभिन्न भूमिकाओं को अदा करता है, बहुत सारे रोल प्ले करता है और उन सब में उसकी अलग अलग अभिनय की आपके सामने इस तरह से है। और अभी थोड़ी देर बाद सावन का आज पहला सोमवार है, भजन मंडली होगी, पड़ोसियों के साथ ढोलक की थाप पर जब भजन गाए जाएंगे तो वहाँ एक बहू के रूप में होंगी, जब वो अलग एक भूमिका होगी। तो ये जो सेल्फ है वो बहुत सारी भूमिकाओं को प्ले करता है। दूसरा वो कहते हैं मंच के पीछे की पृष्ठभूमि, मंच के पीछे यानी फ्रंट में जो हमारा मंच है उसके बैक में, जो मैंने बात की कि अभी मैं जाके ये वीडियो ऑफ करूँगी उसके बाद पूजा पाठ गीत संगीत भजन बहुत सारी चीज़ें शुरू, तो वो बैक है, हर का जो बैक है वो मंच के पीछे जो होता है उसे दर्शक नहीं देख पाते हैं, उसे दर्शक नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर वे अभिनेता नहीं हैं, जो मंच के पीछे चला गया वो अभिनेता नहीं है और वहाँ वह अपने वास्तविक स्वरूप में होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो जो स्टेज के बैक में है। इसकी पृष्ठभूमि की अवधारणा यहाँ पर क्यों जिक्र हुआ, क्योंकि यह वह स्थान है जो बंद है, जो बैक है वह स्थान है जो बंद है जिसे दर्शक नहीं देख पाता है। इसका महत्व इसलिए है कि अभिनेता जो भी मंच पे आने के लिए अपने को तैयार करता है वो वहीं पर तैयार करता है, उसी बैक में तैयार करता है। उदाहरण के लिए रामलीला में जो राम बने हैं या जो सीता बनी हैं, वो जैसे ही मंच के पीछे जाएंगे अपने लोगों के साथ हंसी मजाक ठहाके खाना पीना, हो सकता है गली के नुक्कड़ का कोई लड़का है जो राम बना है, बहुत गंभीर है, बहुत अच्छा दिखा रहा है, और बैक में आने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ फिर से हंसी मजाक ठहाके, कहीं हो सकता ताश खेल रहा हो कहीं कुछ, तब आप वो बैक है उसका, लेकिन उसने भूमिका में राम की भूमिका वहाँ पर सामने फ्रंट में उसको निभाया, तो बैक बिल्कुल अलग होता है। मंच के पीछे की भूमिका को दर्शक नहीं देख पाता क्योंकि वहाँ पर वो जो राम नहीं है और जो गली के नुक्कड़ का कोई भी एक लड़का है, उसका अपना एक सेल्फ है, उसका स्वयं है, उसको तेज हंसना अच्छा लगता होगा। अगर हम यही बात करें, कल तक एक जो बेटी होती है वो अपने घर में देखिए गाने गुनगुना रही है, हंस रही है, ड्रेसिंग सेंस उसका एक अलग होता है, तेज तेज चलना सब कुछ, और जैसे ही एक दिन में शादी होती है अगले दिन से जो भूमिकाएँ बदलती हैं, तो फ्रंट में अब वो किस रूप में आ गई, किसी परिवार की बहू, वहाँ पे उसका घूंघट होगा, धीमे चलना होगा, हंसना नहीं होगा, जब सब खाना खाए कितनी सारी चीज़ें एक रिश्ते में बंधने से तुरंत ही बदलने लगती हैं, क्यों, क्योंकि दर्शक गण उसका जो अवलोकनीय व्यवहार है, जो देख रहे हैं दर्शक यानी उसके परिवार के लोग, नए परिवार के लोग जो उसको देख रहे हैं, वो किस रूप में उसे देख रहे हैं और वो अपनी पहले ही में छवि क्या बनाएगी, क्या छवि होनी चाहिए। तो ये सारी भूमिकाएं हम अपने दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारी भूमिकाओं के माध्यम से व्यक्ति अंतःक्रिया करता है और उन अंतःक्रियाओं में हम अपनी बेस्ट प्रेजेंटेशन देने का प्रयास करते हैं, अपनी उस छवि को बनाए रखने का, और इसी को वो कहते हैं कौन सा प्रबंधन, इम्प्रेशन मैनेजमेंट, प्रभाव प्रबंधन, किसका कितना प्रभाव होता है।
और गॉफमैन ने अपनी इस अवधारणा को जो विभिन्न उदाहरण दिए उसके बाद वह एक प्रश्न करते हैं, क्या हम सब अभिनेता नहीं हैं? क्या हम सब एक्टर नहीं हैं? गॉफमैन का कहना है कि हमारा जो सेल्फ स्व है वह विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, विभिन्न सिंबल्स के माध्यम से अपनी रोल को प्ले करता, अपनी भूमिकाओं को हम निभाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। दैनिक जीवन रूपी जो हमारा ये पूरा रंगमंच है, पूरा स्टेज है, इसमें हम कहीं पर किसी के अध्यापक हैं, किसी के मित्र हैं, किसी की प्रेमिका हैं, किसी की फ्रेंड हैं, बहुत सारी भूमिकाएं हैं और उन भूमिकाओं को हम करते हैं और बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। उसके सब के बाद बैक में एक अपना सेल्फ है जिसमें किसी को गाने पसंद हैं, किसी को नाचना पसंद है, किसी को तेज़ ड्राइविंग पसंद है, तो किसी को घूमना पसंद है। वो उसका सेल्फ है, वो स्वयं क्या चाहता है, लेकिन फ्रंट में आने के बाद उसकी अलग अलग भूमिकाएँ होती हैं। आई होप कि गॉफमैन का अभिनय शास्त्र, जिस माध्यम से वे समाज में अंतःक्रियाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप सबको भी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सो प्लीज़ नाउ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियोस। तो इसी के साथ अपने अगले वीडियो में मिलेंगे और आप सब भी मुझसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।